करंट लगने से बच्चे की मौत। भाईंदर की सोसाइटी के लोहे के गेट में करंट सप्लाई होने से एक 11 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि 12 वर्षीय श्रद्धा कन्नौजिया करंट लगने से झुलस गई। घटना शनिवार रात मीरा रोड स्थित सेंट स्टोन सोसाइटी की है। श्रद्धा को नजदीक के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीरा रोड पुलिस मामले की जांच कर रही है। करंट की चपेट में और 8 लोग आए थे जो बाल बाल बच गए। इस मामले में मीरा रोड पुलिस ने सोसाइटी के 3 लोगों, सोसाइटी के चेयरमैन दीपिका आहूवालिया, सेक्रेटरी रतन दास और कोषाध्यक्ष कुशलानी पर गैर विधात्मक हत्या का मामला दर्ज कर जांच कर रही है। मेरा नाम पार्थ श्रीवास्तव है। हाँ जी, लगा था। उस समय का सिचुएशन एकदम ही अजीब सा था, मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब लोग पैनिक हो गए थे। तो जैसे मैं और मेरे दोस्त यहाँ से आगे बढ़ रहे थे, बिल्डिंग नंबर 6 की तरफ से आगे बढ़ रहे थे। तो हमने देखा कि मेरे जो कुछ और दोस्त जो गार्डन में थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो गुड्डू नाम की लड़की थी वो पूरी लेटी हुई थी, जबकि उसका भाई जिंदा था उस समय। तो फिर हम सब मेरे दोस्त यहाँ पर जो थे, हमने दौड़ के आए इस तरफ। तो हमने देखा कि तो ऐसी पड़ी हुई है, कुछ हिल नहीं रही है। पहला तो हमें लगा कि उसको नाटक कर रहे हैं, तो चलो इग्नोर कर देते हैं 2 मिनट के। उसके बाद फिर जैसे आगे पर उसके भाई के रोने की आवाज़ आ गई। सो उसके बाद फिर हमने देखा कि अब कुछ तो गड़बड़ है। सो उसके बाद फिर हम लोगों ने गए, फिर उसको उठाया। पहले तो फिर जैसे मैं आगे बढ़ा तो गलती से मैंने रॉड को छुआ, उससे मैं थोड़ा सा झटका लगा, फिर मैंने वापस हाथ ले लिया। उसके बाद फिर मैं और एक वॉचमैन अंकल थे, उन्होंने मिलके उसको उठाया, गुड्डू को। उसके बाद फिर उसको उठा के फिर हम लोग गाड़ी तक लेके गए, फिर तुरंत ही गाड़ी हॉस्पिटल तक पहुँची। ये सब था सिचुएशन। एक्चुअली क्या हुआ, गुड्डू बाहर से अंदर आ रही थी और गार्डन के, और फिर उसका भाई अंदर से बाहर जा रहा था। सो उसके कारण उसको उसने देख लिया कि इसका भाई करंट से लगने वाली है। तो फिर उसने स्लीपर्स पहने हुए था भाई ने, और फिर उसके कारण उसने चप्पल नहीं पहना, इसलिए दोनों हाथों से उसको गेट को पकड़ा, और फिर बहुत तेज करंट फ्लो होने के कारण फिर उसको ऑन द स्पॉट चली गई। कम से कम, हाँ जितने उससे कम ही थे, बट 15-20 तो थे, 15-20 लोग मैक्सिमम थे। मैं क्या बोलूँ, मेरी तो हालत बहुत दो दिन से खराब है, सोसाइटी की लापरवाही है, मैंने मेरी अनमोल बेटी खो दी है। मैं इंसाफ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जो हादसा मेरी बेटी के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। जी 7 साल, मतलब 6 महीने पहले ही, पिछले दिवाली में ही ऐसी बातें हुई हैं। सोसाइटी को लेटर भी दिया गया है, उसने अपोलोजी लेटर भी दिया है कि भी ऐसा नहीं होगा, इसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उनका रवैया काफ़ी अच्छा है, होपफुल, काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, बसरते हैं सोसाइटी वाले उस चीज़ को किस तरह से लेंगे। गुना दाखिल हुआ है, जो सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं और ट्रेजरर हैं, तो उनके खिलाफ ये बातें हुई कि उन्होंने किस चीज़ों को नज़रअंदाज किया। 7 बच्चे हैं जे जो 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 इसके विक्टिम है, और सबसे बड़ी विक्टिम तो मेरी बेटी जो आज ठीक है। 2 जून 2018 को रात को करीब 9 बजे पुलिस स्टेशन में इंटीमेशन मिला कि सैंडस्टोन सोसाइटी है, वहां पे रात को करीबन 8 बजे जो गार्डन है वहां पे बच्चे खेल रहे थे, अचानक से वो 5-6 बच्चों को शॉक लग गया गार्डन में खेलते खेलते।
तो उसमें एक जो श्रुति यादव करके 11 साल की बच्ची है उनको वहां के जो रेसिडेंट है और उनकी मम्मी ने हॉस्पिटल में लगी गई थी, तो तुंगा हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड करके डिक्लेयर किया गया और उसके बाद में ऐसा पता चला कि दूसरी जो श्रद्धा करके एक लड़की उन्हें इंदिरा नर्सिंग होम में एडमिट किया गया इनमें आगे की मतलब मुझे मेडिकेशन के लिए। फिर और एक चार पांच बच्चे तो उनके ऊपर भी ट्रीटमेंट करके उनको घर जाने दिया गया। इसमें ऐसा पता चला जब इन्वेस्टिगेशन जो स्पॉट विजिट करने के बाद में ऐसा पता चला है कि ये जो वारदात हुई है वो वहां पे जो दिवाली के टाइम या जो फेस्टिवल के टाइम में जो लाइटिंग करते हैं उसकी कुछ वायर वहां पे बीच बीच में कट हुई थी, उसमें टेप लगा हुआ था। दूसरा है कि फेंसिंग वॉल में भी जो लैंप लगे हुए हैं वो वायर भी कहीं ना कहीं कट हुई थी, तो वो ग्रिल में उसका संपर्क आने की वजह से वो बच्चों को शॉक लगा हुआ है। तो इसमें 101% निगलिजेंस है। सोसाइटी जो है सैंडस्टोन सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ हमने ये जो लड़की मृत हो गई है और जो बच्चे इंजर्ड हो गए उनके खिलाफ धारा 304A और 336 IPC के तहत मिरौड पुलिस स्टेशन में क्राइम रजिस्टर किया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है।